Hello and welcome on day number 2 of 90 day challenge. So today we are going to talk about the failure. हम क्यों आज failure के बारे में बात करेंगे? क्योंकि हम life में बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं या कर चुके होते हैं जहां पर शायद हम fail हुए रहते हैं या हो भी सकते हैं, right? आज मैं आपके साथ मेरा खुद का personal story share करूंगा. हालांकि मेरा video जो stock में भी है, लेकिन जो stock में time restriction की वजह से बहुत छोटा video है. आज जो मैं आपसे मेरी स्टोरी शेयर करूंगा वो इन डिटेल होगा, इन डेप्थ होगा. आप पूरी तरह से मुझे जान पाएंगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, मेरा बैकग्राउंड क्या है, क्या-क्या मैंने लाइफ में स्ट्रगल किए हैं, किस-किस चीज को आप अपने लाइफ में इसमें से हटा सकते हो और आप कैसे इंस्पायर हो सकते हो अपने लाइफ में कि आप कभी भी ये स्टोरी सुनने के बाद गिव अप नहीं करोगे, राइट? अगर आप मेरा जर्नी एंड तक पूरा देखोगे, I promise you one thing, आप कभी अपने लाइफ में गिव अप नहीं करोगे. कभी अपने लाइफ में ऐसा नहीं सोचोगे कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है या मुझे और क्या करना चाहिए. So are you ready to know the story? I know I haven't shared it before, जो स्टॉक में थोड़ा सा है, but अगर आप पूरा डिटेल में मेरा स्टोरी देखोगे, I'm sure that will change your life. ठीक है? So myself, Kalpesh Vitlani, born in 1989. जैसे ही बॉर्न हुआ, एक से डेढ़ साल में 1990-1991 में मेरे मम्मी और पापा का डिवोर्स हो गया. एक से डेढ़ साल का छोटा सा बच्चा मैं था जब मेरे मम्मी और पापा का डिवोर्स हो गया. तो मेरे नाना जी ने एक बात बताई थी कि ये बच्चा हमें नहीं चाहिए, अगर आपको ये बच्चा चाहिए तो आप रख लो. और मेरे दादाजी ने बोला था कि हाँ हमें ये बच्चा चाहिए, अगर दादाजी नहीं रखते तो मुझे अनाथ आश्रम जाना पड़ता. ठीक है? तो अनाथ आश्रम जाने के बजाय उन्होंने मुझे घर पे लाया. दादाजी के साथ रहता था, दादी माँ के साथ रहता था और पापा के साथ रहता था. मुझे याद नहीं मेरी मम्मी कैसे दिखते हैं, मेरे मम्मी की आवाज कैसी है, फैट है, पतले हैं, हाइट क्या है, मुझे कुछ याद नहीं. तो यही लाइफ की शुरुआत थी. ठीक है? जब तक मैं प्री स्कूलिंग में नहीं आया, जब फर्स्ट स्टैंडर्ड के पहले प्री स्कूलिंग होता है, तब से ही मुझे सारी चीज याद है. उसके पहले की कोई चीज मुझे याद नहीं है. मेरे दादी माँ अक्सर बताया करते थे कि मैं बहुत रोता था कि मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए. अभी तक दूध भी पीता था लेकिन नहीं मिले मम्मी. ठीक है? तो फर्स्ट फेलियर वहां पर ही था लाइफ का. लेकिन लाइफ आगे बढ़ती है, आगे बढ़ गए. तब तक मैं अपने अंकल के साथ रहता था. मेरे पापा कोई दूर जगह पर रहते थे, मोरबी के पास काम के लिए. तो दादा दादी और अंकल आंटी के साथ रहता था, तो मम्मी और पापा दोनों से दूर रहता था. फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड तक मैं दूर रहा. जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में आया तो मेरे दादाजी और दादी माँ ने सोचा कि हम अभी पापा के साथ रहने जाते हैं, तो वो पापा के साथ मूव कर रहे थे और मुझे साथ में लेकर गए. तो थर्ड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड मेरा एक छोटे से गांव में कंप्लीट हुआ जो मोरबी के पास था. गाँव में ज्यादा फैसिलिटी नहीं थी और तब हमारे घर पे कोई सुख सुविधा भी नहीं थी. हमारे घर में टॉयलेट नहीं था, फ्रिज नहीं था, पानी भी घर से बाहर से भर के लाना पड़ता था, ट्यूबलाइट हार्डली होती थी और लाइट भी दिन में दो दो चार चार छह छह घंटे चली जाती थी. और एकदम जंगल जैसे एरिया में हम रहते थे जो गांव से भी दूर था. सिर्फ वहां पे फैक्ट्री थी, मेरे दादाजी और पापा काम करते थे, दादी माँ मुझे संभालते थे और स्कूल के लिए भी 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर रोज जाना पड़ता था. तो मेरे दादाजी ने सोचा कि अब मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में हूँ तो क्यों ना मुझे हॉस्टल भेजा जाए ताकि मेरी स्टडी अच्छे से हो. और मम्मी थे नहीं, दादी माँ से भी इतना अच्छे से काम होता नहीं था क्योंकि उनकी भी एज थी. तो फिफ्थ स्टैंडर्ड में मुझे हॉस्टल भेजा गया अहमदाबाद के पास. और तब मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में था और हॉस्टल जाने के लिए बहुत छोटा था. तो जब मैं हॉस्टल गया तो वहां पर कपड़े हाथ से धोने पड़ते थे, बर्तन भी हाथ से धोने पड़ते थे. और मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में था, मैंने सब सीखा. अराउंड 6 महीने में वो हॉस्टल में रहा था जहां पर मैं अहमदाबाद के पास गया. और उसके बाद मैंने दादाजी को बोला कि मुझे हॉस्टल में नहीं रहना, मुझे नहीं अच्छा लग रहा. तो 6 महीने बाद दादाजी ने सोचा ठीक है, उन्होंने हॉस्टल से वापस ला के घर पे रखा. तो आधा फिफ्थ मैंने हॉस्टल में किया, आधा फिफ्थ मैंने घर पे किया. उसके बाद जब 6th स्टैंडर्ड में था तो मेरे पापा के जो बहन है मेरे फोई, उन्होंने बताया कि एक अच्छा हॉस्टल है पोरबंदर में, आप इसको यहाँ भेजो और वहां पर इसको जरूर अच्छा लगेगा. तो 6th स्टैंडर्ड में वापस मुझे हॉस्टल भेजा गया पोरबंदर में और मेरे बहुत सारे दोस्त वहां पर मिले और कुछ आज ये वीडियोस को देख भी रहे होंगे. अगर मैं इमोशनल हो जाऊं तो मुझे संभाल लेना क्योंकि ये स्टोरी आपको बहुत इंपैक्ट करेगी. जब मैं वहां पर पहली बार गया तो सुबह 5 बजे उठते थे, 6:30 बजे प्रेयर करते थे,
7 बजे एक्सरसाइज करते थे, स्कूल जाते थे, पैसे नहीं होते थे, हर संडे सिर्फ 10 रुपए देते थे खर्चा करने के लिए और हम वो लाइफ में सर्वाइव करते थे। सिक्स स्टैंडर्ड, सेवन स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ, एट्थ, नाइन्थ, फिर टेंथ आया, तब मेरी धीरे धीरे लीडरशिप स्किल जो थी वो डेवलप हो रही थी, क्योंकि वो हॉस्टल में मॉनिटर था, पूरे हॉस्टल का कामकाज संभालता था, जो भी टाइमिंग के हिसाब से रूटीन रहता था, सबको 5:30 बजे उठाना, 6:30 बजे सबको प्रेयर में पहुंचाना, सुबह 7:30 बजे सबका ब्रेकफास्ट कराना, 11:30 बजे लंच, शाम को 6 बजे डिनर और रात को 9:30 बजे सो जाने तक की सारी एक्टिविटीज जो टाइम वाइज थी वो मैं हैंडल करता था। 2 साल जब मैं 8th, 9th और 10th में था, 3 साल एक्चुअली मैंने हैंडल वो किया, तो तब मेरी धीरे धीरे लीडरशिप स्किल जो थी वो डेवलप होती रही थी। वहां पे बहुत सारे कल्चरल फंक्शन होते थे, फेस्टिवल होते थे, डांस कॉम्पिटिशन होते थे, वो सब में मैं पार्टिसिपेट करता था। हम वहाँ पर क्रिकेट खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे और बहुत सारे ऐसे गेम्स खेलते थे जहाँ पर मेरा बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ वो हॉस्टल में। हालांकि घर से दूर था लेकिन वो हॉस्टल इतना अच्छा था कि कभी घर की कमी महसूस नहीं होती थी। और वहां पर जो सुपरिटेंडेंट थे वो भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू मेरा ही बेटा है तो कोई टेंशन मत ले। और जब मेरे मम्मी और पापा के डिवोर्स हो चुके थे तो जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो मुझे किसी ने आवाज दिया, ज्यादातर फोन नहीं होते थे, मेरा फैमिली भी बहुत दूर था, कम से कम 8 घंटे का रास्ता था पोरबंदर से मोरबी जाने के लिए, और रात को एक ही बस आती थी 1 बजे। मेरे दादाजी अक्सर छोड़ने आते थे रात को 1-1:30 बजे, हम बस पकड़ते थे, सुबह 7-8 बजे पहुंचते थे। तो बहुत स्ट्रगल, और सिर्फ 50 रुपीज फीस था, फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे मेरे दादाजी और पापा के पास, सिर्फ 50 रुपीज फीस था पूरे साल का और वो हॉस्टल में मैं रहता था। तो जब मैं 10th में था तो किसी ने आवाज दिया कि तुम्हारे मम्मी तुमसे मिलने आए हैं, और मैं शॉक था क्योंकि मैंने मेरे मम्मी को कभी देखा नहीं था, कभी उनकी आवाज नहीं सुनी थी और मुझे पता भी नहीं था वो कहाँ पर है। लेकिन मैंने सोचा चलो कुछ तो गलती हुआ रहेगा, कोई और रहेगा, मिल लेता, और वो सच में मेरे मम्मी थे। तो जब मैं 10th में था तो उनको मैं पहली बार मिला, उनसे मैंने उनसे बात की, थोड़ा सा बातचीत हुआ, फिर वो चले गए। और जब मैं 10th में था तो हमारे हॉस्टल में एक माहौल था कि जब हम इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट रखते हैं 10th में तो ज्यादातर लोग जो है वो उसको क्लियर नहीं कर पाते थे, तो इसके लिए हमने एज अ सब्जेक्ट हिंदी चूज किया। तो सारा सब्जेक्ट तो गुजराती में था, गुजराती मीडियम, एंड देन छोटा सा एक सब्जेक्ट आता था हिंदी एंड संस्कृत जो हमने चूज किया, तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट भी नहीं था, तो जाहिर सी बात है हमको कोई स्पेलिंग, सेंटेंस, ग्रामर कुछ नहीं आता था। 10th क्लियर हुआ लकीली, 10th पास होने के बाद 11th और 12th करने के लिए मैं जामनगर गया, तो जामनगर में भी हमारे कास्ट का ही हॉस्टल था। 11th करते करते पता चला स्कूल में कि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने हिंदी एज अ सब्जेक्ट रखा है, बहुत सारे लोग ने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट 10th में रख के वो पास हुए हैं, मीडियम गुजराती है लेकिन एज अ सब्जेक्ट भी इंग्लिश नहीं रखा था। तो 11th में पता चला कि इंग्लिश रखना चाहिए तो उसके लिए 10th का एग्जाम देना पड़ेगा, तो 11th के साथ साथ 10th के इंग्लिश के एज अ सब्जेक्ट प्रिपरेशन शुरू की और 10th का इंग्लिश क्लियर किया, 11th में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट क्लियर किया, और 12th स्टैंडर्ड में हम जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहते हैं स्टेटिस्टिक्स, मैथ्स, और उसके लिए हमने क्लासेस लगाए, और लकीली एक मैडम थे नीता मैडम, वो उसी दौरान जामनगर शिफ्ट हुए थे और हमने उसका इंग्लिश के लिए कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया था वो पर्टिकुलर 1 ईयर के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा इंग्लिश समझाया, वो भी मुंबई से थे तो उनको काफी अच्छा नॉलेज था, उन्होंने वो 1 साल में इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव कराया और 12th में अच्छे नंबर से पास होने के बाद लाइफ की एक जर्नी जो थी वो ऑलमोस्ट स्टॉप होने वाली थी, क्योंकि ज्यादा पैसे नहीं थे, दादाजी का और पापा का ज्यादा कोई बैकग्राउंड नहीं था और तब तक हम शिफ्ट हो चुके थे मोरबी से भाटिया। तो वहां पर मेरे पापा एक किराना स्टोर में जॉब करते थे, मेरे दादाजी ऑलमोस्ट रिटायर्ड जैसे थे, थोड़ा बहुत काम करते भी थे, तो इतना ज्यादा पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि 12th तक तो तेरा पढ़ाई हो गया लेकिन अब आगे पढ़ाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, एक चॉइस है कि या तो तुम क्विट करके ग्रोसरी का या किराना का शॉप ओपन हम आपको करके देते हैं क्योंकि उसमें पहचान थी उनकी, वो चला लो, या फिर तुम्हें कुछ अपना अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो जब वो 12th का वैकेशन था तो मेरे पापा के जो सबसे छोटे भाई है उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने एक बात बताई कि अगर तुझे पढ़ना है तो मैं साल के 6,000 रुपए देता हूँ जो तेरी कॉलेज फीस और बुक्स के लिए है, अगर तू बाकी के पैसे मैनेज कर पाएगा तो ये 6,000 रुपए मैं तुझे दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, एक जो बोलते हैं ना लाइट एट द एंड ऑफ टनल, तो मैंने बोला ठीक है आप 6,000 रुपए दो, मैं बाकी का कुछ अरेंज करता हूँ।
और तब पता नहीं था कि FY बीकॉम कहाँ करेंगे, फर्स्ट ईयर बीकॉम। तो मेरा एक फ्रेंड बड़ौड़ा हॉस्टल में पढ़ता था, चिराग, तो उसने बताया कि बड़ौड़ा हॉस्टल बहुत अच्छा है, कम फीस है, MS यूनिवर्सिटी में आ जाओ, इंग्लिश मीडियम में करो। तो उसकी बात मानकर उसके साथ में बड़ौड़ा गया, अंकल जी ने 6,000 रुपये दिए थे, और बड़ौड़ा गया, हॉस्टल में एडमिशन हुआ, कॉलेज में एडमिशन हुआ, लेकिन पता चला कि इंग्लिश मीडियम में है, तो सारे सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश में है, तो ज्यादा नॉलेज तो थी नहीं, जो फॉर्मूलाज भी आते थे मैथ्स के और स्टेटिस्टिक्स के वो सब भी गुजराती में आते थे, इंग्लिश में नहीं आते थे। तो उसने बहुत हेल्प किया मुझे, तो जो जो कोचिंग क्लासेस में वो जाता था वहां पर वो प्रोफेसर से मुझे मिलवाता था, ओनर से, कि ये हमारा लड़का है और ये द्वारका के पास से है और इसके पास पैसे नहीं है, अगर आप इसको कुछ हेल्प करो। तो दो जो क्लासेस ओनर थे उन्होंने बोला ठीक है, हम 3,000 रुपीज लेते हैं, हम आपसे 50% लेंगे, सिर्फ 1,500 रुपये, उसके 50% में भी 50% आप एडवांस दो और बाकी का जो 50% है वो आप दिवाली के बाद दे देना, 6 महीने बाद दे देना। तो वो दो क्लासेस थे, शुक्ला क्लासेस एंड NM क्लासेस, उन्होंने मेरी हेल्प की। उसके बाद एक NP क्लासेस थे जो थियरी के लिए थे, जो 9 to 10 होते थे, तो वो सर ने 4 सब्जेक्ट के लिए कोई फीस नहीं लिया, उन्होंने बोला कि नहीं हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, आपको फ्री में सिखाएंगे। तो ये तीन कोचिंग क्लासेस मैंने ज्वाइन किया FY बीकॉम के साथ, और उसके साथ साथ मैंने एक क्लोथ स्टोर में, गारमेंट शॉप में जॉब करना शुरू किया, 1,200 रुपये सैलरी में। तो सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक तीनों कोचिंग क्लासेस होते थे, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10। 10:30 बजे मैं क्लोथ स्टोर में जाता था और 3 बजे तक वहां रहता था, क्योंकि 3 से 6 कॉलेज होता था, हालांकि कॉलेज रोज नहीं जाते थे, तो जिस दिन जाना होता था तब जाते थे, नहीं जाना होता तब पूरा दिन स्टोर पर रहते थे। जब कॉलेज जाता था तो कॉलेज से 6:30 बजे वापस वो स्टोर पे जाके 8:30 बजे तक, 9 बजे तक स्टोर पे रहता था। स्टोर क्लोज होने के बाद हॉस्टल में जाके हम खाना खाके सो जाते थे। लेकिन एक चीज हॉस्टल में ये भी होती थी कि संडे को इवनिंग में डिनर नहीं होता था, और जो ये मेरे फ्रेंड्स है वहां पर उनको याद होगा कि जब संडे को डिनर नहीं होता था तो हम बहुत स्ट्रगल करते थे खाने के लिए, ज्यादा पैसे नहीं होते थे, इवन 4-5 रुपए अगर ऑटो के लिए भी जाना होना तो उतने भी पैसे नहीं होते थे। मुझे याद है वहां पर सीनियर लोग ऐसा भी हेल्प करते थे कि ये 10 रुपए तुम्हारे वॉलेट में रखो, इमरजेंसी फंड में तुम्हें काम आएगा, 10-20 रुपए भी वॉलेट में रखने के लिए बहुत बहुत टेंशन होता था। और मुझे याद है कि हम पार्ले जी बिस्किट को पानी में डुबो के खाया करते थे, 10 रुपए का हम कुछ और भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ये कंडीशन में FY बीकॉम किया। FY बीकॉम मेरा एडमिशन हुआ ही था जून जुलाई में, और अगस्त 10th अगस्त 2007 में ये न्यूज़पेपर में छपी थी कि जो मेरे मम्मी है उनके जो नए हस्बैंड है उन्होंने उनका खून कर दिया और वो नए हस्बैंड में ट्रेन के नीचे सुसाइड कर लिया। ये न्यूज़पेपर में पढ़ा था, बहुत शॉकिंग लगा था क्योंकि वो मेरे मम्मा थे, बट कुछ कर नहीं पाया। तो आज भी वो न्यूज़ कटिंग है मेरे पास, यूज करता हूं मैं, कभी कभी देख भी लेता हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। 2007 के एंड में एक कॉल सेंटर में जॉब में लगा था, वहां पर अराउंड 4,000 सैलरी था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो वो कॉल सेंटर में जॉब करते करते फरवरी में मेरे कजिन का मैरिज था जामनगर में, तो वो कजिन के मैरिज में जब मैं गया तो मेरे एक रिलेटिव आए थे मुंबई से, तो उन्होंने पूछ लिया, बस में जाते थे तो बारात में जा रहे थे तो, कि क्या करते हो? तो मैंने बोला मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ और मेरा इतना सैलरी है। तो उन्होंने बताया कि अगर कॉल सेंटर में जॉब करना है तो मुंबई आ जाओ, क्योंकि मुंबई में कॉल सेंटर बहुत ज्यादा है, ज्यादा सैलरी भी देते हैं और मैं तुमको सब सिखाऊंगा भी। तो मैंने सोचा अच्छी बात है, और तब तक CA इंस्टीट्यूट ने CPT लॉन्च किया था वो टाइम पे, तो मेरा एक फ्रेंड मेरे हॉस्टल से, बड़ौड़ा से, भाविन, उसने CPT क्लियर भी किया था, तो वो भी उस दौरान मुंबई आया था और यहाँ पर वो आर्टिकलशिप कर रहा था। तब तक मेरा CA बनने का, CA शुरू करने का भी कोई विजन नहीं था, मुझे सिर्फ कॉल सेंटर के लिए आना था। और अराउंड मार्च महीने में वो मुंबई से वापस बड़ौड़ा आया था, क्योंकि उसका FY बीकॉम का एग्जाम देना था और मेरा भी एग्जाम उसके साथ ही था, हम दोनों FY बीकॉम में थे। तो मैंने उसको बताया कि नहीं मुझे भी मुंबई आना है और मेरा प्लान हुआ है, मैंने मार्च 2007 में ये उसे बताया था। तो मार्च के एंड में
25 26 मार्च और 1 अप्रैल के बीच में मैं 6 7 दिन मुंबई आया था। मेरे अंकल है डॉक्टर कल्याण में, उनके घर में रुका था और तब मोबाइल फोन था नहीं, जनरल टिकट में आया था। सिर्फ 100 रुपये टिकट दे के आया था, सिर्फ 500 700 रुपये जेब में थे जो मेरा सेविंग्स था कॉल सेंटर के जॉब से। और पूरे मुंबई में दादर विले पार्ले देन चर्च गेट, सारे जो कॉलेजेस थे जहां पर मुझे लग रहा था कि मुझे एडमिशन लेना चाहिए वो सारे कॉलेजेस मैंने देखे। जो चर्री रोड में हॉस्टल था उनके ट्रस्टी को मिला कि मुझे मुंबई आना है, क्या आप मुझे हॉस्टल में एडमिशन दोगे क्या? ज्यादा फीस तो मेरे पास नहीं है लेकिन आप मुझे एज अ फ्री स्टूडेंट एडमिशन दोगे क्या? तो उन्होंने थोड़ा बहुत हाँ बोला और थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के बाद मैंने सोचा ठीक है यहाँ पर आया जाएगा। तो जब मैं जून 2007 में मुंबई आया तो मेरा केसी कॉलेज में एडमिशन हुआ था चर्च गेट और मेरा स्टडी शुरू हुआ। तो जैसे ही मेरा एडमिशन हुआ और जो वैकेशन था मई जून में, तो जब मैं मेरे गांव में था तो एक सीए थे मुंबई में हरीश चंदा राणा, वो वहां पर आए थे और उन्होंने बताया कि अगर हमारे गांव का कोई लड़का मुंबई आ रहा है स्टूडेंट और उसे आगे पढ़ाई में हेल्प चाहिए तो मैं करूंगा। तो वो खुद एक सीए थे तो मैं उनके ऑफिस में गया उनको मिलने के लिए और उन्होंने मुझे पूछा क्या करोगे। तो मैंने जो मेरा था बता दिया कि मैं कॉल सेंटर में जॉब करूंगा और अभी कॉलेज कर रहा हूँ तो यही मेरा प्लान है। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं तुम सीए करो, तुम्हें सीए करना चाहिए और अगर तुम सीए बनोगे तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। और मेरे हॉस्टल जो था चर्नी रोड में वहां पर भी 80% लोग सीए ही कर रहे थे। तो मुझे लगा ठीक है इनकी बात सही है, सीए करना चाहिए। तो मैंने दूसरे दिन जेके शाह क्लासेस गया, वहां से प्रोस्पेक्टस लाया और उसमें फीस देखा तो सीपीटी का जो फीस था कोचिंग क्लासेस का वो 20,000 रुपए था और जो मेरे अंकल थे उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था 6,000 रुपए का। तो मैं लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहा था कि क्या करूंगा, लेकिन फिर भी मैं वापस दूसरे दिन उनको मिलने गया तो उन्होंने उसी वक्त 20,000 रुपए का चेक बनाकर दे दिया कि तुम जेके शाह क्लासेस ज्वाइन कर लो। दूसरे दिन जाकर मैंने जेके शाह क्लासेस ज्वाइन कर लिया। अभी तक मेरा सीए का एडमिशन पेंडिंग था, सीए इंस्टीट्यूट के साथ मैंने रजिस्टर नहीं किया था और कोचिंग क्लासेस शुरू हो गए। और फर्स्ट डे पे मैथ्स का लेक्चर था, जो मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं उनको याद होगा कि मैं उनके बाजू में बैठा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने बोला इतना टफ होता है ये मैथ्स, मुझे तो कुछ नहीं। तो मुझे कंसोल करते थे कि नहीं हो जाएगा, ये तो फर्स्ट डे है, मैथ्स है, दूसरे सब्जेक्ट भी है, तुमको आ जाएगा आराम से। एंड तब जो मैंने बैच ज्वाइन किया था फरवरी 2008 का बैच था, तो फरवरी 2008 का जो सीपीटी आने वाला था उसके लिए हमने जून में क्लासेस ज्वाइन किया था। बट तब सीपीटी साल में 4 बार होता था तो हमको क्लासेस से एडवाइस दिया गया कि आप कोशिश करो कि नवंबर 2007 में एक बार एग्जाम दे के अगर पास हो जाओगे तो बहुत अच्छा है, बाकी फरवरी 2008 में तो आ ही रहा है। तो मैंने सोचा हाँ आइडिया अच्छा है, नवंबर 2007 में मैंने सीए सीपीटी के लिए एग्जाम दिया और जनवरी में उसका रिजल्ट आया और लकीली मैं क्लियर हो गया। तो जनवरी 2008 में मेरा आर्टिकलशिप शुरू हुआ था और फोर्ट में था मेरा फर्म और आर्टिकलशिप में मैं हम ऑडिट के लिए नरीमन पॉइंट दादर और बाद में फाइनली गोरेगांव में आईटी पार्क में जाते थे। तो ये 2008 और 9 है वो थोड़ा सा आसानी से गुजर गया क्योंकि आर्टिकलशिप थी, स्टाइपेंड मिलता था, बहुत बिजी थे और सीएसी पीसीसी था उसके लिए भी कोचिंग क्लासेस शुरू किए थे, उसके लिए भी मेरे एक रिलेटिव ने 15,000 रुपीज दिए थे, हरीश चंदा राणा सर ने वापस से 20,000 दिए थे, तो वो 35,000 रुपए भर के वापस से जेके शाह क्लासेस में ग्रैंड रोड बेंच में हम वहां पर वो बैच में हमने पीसीसी शुरू किया था। और नवंबर 2009 में वो पीसीसी का एग्जाम जो है वो अपीयर करके जनवरी 2010 में वो क्लियर किया था। जब जनवरी में 2010 में था तो 2010 में वापस से एक बार लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, मुझे किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान समझाया। हालांकि मेरा सीए बहुत अच्छा चल रहा था पर मुझे पैसों भी तो चाहिए थे क्योंकि मेरे पैसे के मामले में बहुत स्ट्रगल चल रहा था। तो जब उसने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इंट्रोड्यूस किया तो मुझे लगा वाओ दिस इज द बिग अपॉर्चुनिटी। और लकीली वो नेटवर्क मार्केटिंग के जो सेमिनार थे वो केसी कॉलेज में होते थे तो मैंने सोचा यार बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत सारा इसमें पैसा कमाया जा सकता है। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर लिया, आधे आधे टुकड़ों टुकड़ों में 2 3 महीने में पैसे जमा किए, 6 7 हजार रुपए की ज्वाइनिंग थी वो कर ली और सबको बात करना शुरू किया। और 2010 एंड बिटवीन 2011 मैंने अराउंड 100 125 लोगों की टीम भी बनाई थी
और 2011 में हमारा जो चन्नी रोड का हॉस्टल था वो बहुत कंस्ट्रक्शन पुराना होने की वजह से सब गिरने लगा था, तो वो क्लोज हो गया। तो 2011 में हम मीरा रोड हॉस्टल में शिफ्ट हो गए थे। तो हमारे साथ बहुत सारे और भी स्टूडेंट थे जो सीए फाइनल में थे। तो जब हम शिफ्ट हुए मीरा रोड में, तो नवंबर 2011 का सीए फाइनल का एग्जाम था जो मीरा रोड से अपियर किया था। तो तब भी ऐसा था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, मीरा रोड से भी बहुत सारे लोग मेरे साथ कर रहे थे, और नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड किया था। ट्रेनिंग फ्रॉम संतोष नायर, ट्रेनिंग फ्रॉम राजेश टैगोर, ट्रेनिंग फ्रॉम प्रशांत शरण, और भी पृथ्वीराज सर, और ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे लीडरों से हमने ट्रेनिंग लिया था। तो तब जो विजन था वो बड़ा बन रहा था, क्योंकि तब तक जो सोच थी वो ऐसे ही थी कि कोई पैसा नहीं है, 3,000 5,000। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग में गए तो जो सोच थी वो लाखों में बदलना शुरू हुई, कि लोग महीने का 2 लाख कमा रहे हैं, महीने का 5 लाख कमा रहे हैं। हालांकि कमाया नहीं कभी उतना पैसा, लेकिन वो जो सोच थी वो दिमाग में जा रही थी कि हाँ ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा 150-200 लोग का टीम हुआ था 2011 तक, और तब वो कंपनी ऑलमोस्ट बंद होने को थी, और वो कंपनी बंद हो गई। और मेरे जो ऊपर लीडर्स थे उन्होंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की थी, मुझे भी इन्वाइट किया था। बट तब ऑलरेडी मेरा सीए फाइनल का एग्जाम नजदीक था, तो नवंबर 2011 में सीए फाइनल का एग्जाम अपियर किया, तो उसमें मैं फेल हो गया। तो तब लाइफ का वो पहला फेलियर था एकेडमिक्स में, कि मैं कहीं पर फेल हुआ था। तो मैंने सोचा अब कुछ करते हैं और एक ग्रुप अपियर करते हैं। तो मैंने मई 2012 में सीए फाइनल का ग्रुप नंबर 2 अपियर किया, और वो ग्रुप क्लियर हो गया। फिर मुझे लगता था अब तो एक ही ग्रुप बाकी है, वो भी फर्स्ट ग्रुप है, रिलेटिवली थोड़ा इजी होता है। तो मैंने सोचा एक ही ग्रुप बाकी है, लाइफ आसान है, सीए बन जाएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। तो जब मई 2012 में वो ग्रुप क्लियर होने के बाद वो हॉस्टल भी हमने छोड़ा मीरा रोड का, और मेरे फ्रेंड्स के साथ एज अ पेइंग गेस्ट एक हम लोग ने 4 लोगों ने मिलकर एक रूम था, और वहां पर रहना शुरू किया। और वहां पर रहना शुरू किया था 2013 से। तो 2012 में जब था तो मैंने एक जो एग्जाम था नवंबर 2012, सो मेरे गांव से मेरे घर से मैंने अपीयर किया था। और लाइफ का इतने सालों में, मतलब मैं 6th स्टैंडर्ड से हॉस्टल में पढ़ता था, वहां से लेके जब मैं 23 इयर्स का हो गया, ऑलमोस्ट 14 इयर्स जो था मेरा गैप हो गया था जब मैं घर से दूर था। ठीक है, अभी तक मैं घर पे ऐसा कोई टाइम नहीं था जब मैं कंटिन्यू 2 महीने से ज्यादा घर पे रुका रहूंगा, क्योंकि वैकेशन पे ही घर जाते थे, वापस हॉस्टल चले आते थे, राइट। तो कभी ऐसा नहीं था। वही एक पीरियड था जब मैं 2 से 3 महीने घर पे रुका था, और मैंने घर से एग्जाम दिया था राजकोट से। तो मैं नवंबर 2012 में वापस फेल हो गया, और जनवरी 2013 में जीएमसीएस ट्रेनिंग सीए फाइनल में होता है, जनरल मैनेजमेंट एंड दैट जीएमसीएस, ओके। सो जीएमसीएस कम्युनिकेशन स्किल, जनरल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल। सो जीएमसीएस ज्वाइन किया था, वहां पर काफी अच्छे फ्रेंड्स मिले, सबके साथ बॉन्डिंग हुई, और तब एक विजन बना कि नहीं, लाइफ में टीचिंग फील्ड में भी कुछ करना है, और बहुत स्कोप है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को देखते थे जो जीएमसीएस में हमको पढ़ाते थे। तो वहां पर बहुत अच्छे फ्रेंड मिले, तो वहां पर ही रिजल्ट आया था जीएमसीएस के दौरान, जो नवम्बर 12th का था वो फेल हुआ। और लाइफ का एक और टर्निंग पॉइंट आया, तब भी मैं पीजी में ही रहता था फ्रेंड्स के साथ। सो 2013 आ गया था, मई 2013 का एग्जाम देना था सीए फाइनल, एक ही ग्रुप बाकी था, और बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे। तो घर वाले भी सपोर्ट करते थे कि चलो एक दो फेलियर से हो जाता है, और कोशिश करो, हो जाओगे क्लियर। तो मई 13 का जो एग्जाम था वो 2 मई से शुरू हो रहा था, और 1 मई को शाम को 5 बजे कॉल आया था कि दादाजी सुबह 9 बजे घर से निकले हैं और अभी तक लौटे नहीं है, क्या तुमको कोई फोन आया है, तुम्हें कोई पता चला है? तो मैंने बोला नहीं, कोई फोन भी नहीं आया, कुछ पता भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है। तो फिर भी थोड़ा सा वरी था, लेकिन 2 मई से एग्जाम था तो पूरा स्टडी पे फोकस था, तो ज्यादा ध्यान दिया नहीं, फोन रख दिया साइड पे। और रात को 10 साढ़े 10 को फोन आया कि दादाजी एक्सपायर हो चुके हैं। और मैं मेरे दादाजी से बहुत क्लोज था, क्योंकि जितने भी हॉस्टल में मैं गया था, जितनी जितनी जगहों पर मैं जाता था, तो मेरे दादाजी हमेशा मुझे छोड़ने आते थे, वही मुझे लेने आते थे, वही सारी चीजें मुझे समझाते थे, वही सारी चीजें जो धार्मिक कार्य होते थे उसमें वो सारा चीज मुझे करवाते थे, पूजा पाठ जो भी था वो मेरे दादाजी मुझे करवाते थे। तो मैं दादाजी से बहुत अटैच था। और मुझे याद है जब मैं छोटा था ना, जब 4-5 साल का, तो मेरे दादाजी का फ्रूट का लारी था, तो मुझे बहुत बार वो फ्रूट के लारी में बिठा के घुमाने भी ले जाते थे। पूरा दिन वो लारी पे बैठ के मैं फ्रूट खाता था और उनके साथ रहता था, और लारी में ही सो जाता था,
और रात को वो उठा के मुझे घर पे रख देते थे, इतना हल्का हल्का मुझे याद है, तो मैं उनसे बहुत अटैच था। तो फर्स्ट मई की पूरी रात सुबह 6 बजे तक सो नहीं पाया, मुझे नहीं पता मैंने वो मई 2013 के एग्जाम में क्या लिखा, एंड जाहिर सी बात है मैं उसमें फेल हो गया। और वो जो फेलियर था ना, वो लाइफ को बहुत टच कर गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी, दादाजी चले गए, अब लाइफ में दो ही पर्सन बचे थे, दादी माँ एंड पापा, अब मैं क्या करूं कैसे करूं, राइट। और तब मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, तो मैंने दादाजी को फोटो दिखाया हुआ था, तो वो एग्री थे कि हाँ आपको अगर इनसे शादी करना है तो मैं उनसे उनके फैमिली से आके बात करूंगा, ऐसा उन्होंने बताया था, लेकिन वो कभी मिल नहीं पाए, कभी देख नहीं पाए। तो लाइफ में ऐसा था कि सब कुछ बिखर सा गया है। तो फिर भी नवंबर 2013 में एग्जाम दिया, वापस फेल हो गया, तो ऑलमोस्ट 4 अटेम्प्ट हो गए थे फर्स्ट ग्रुप में। तो जब लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया था कि अब तुम्हारी एज हो गई है, बहुत टाइम से तुम स्टडी कर रहे हो, तुम्हारा स्टडी में फोकस नहीं है, साथ साथ में मैं नेटवर्क मार्केटिंग दूसरी कंपनी ज्वाइन किया था, तीसरी कंपनी ज्वाइन किया था, उसमें भी स्ट्रगल चल रहा था, ज्यादा पैसे मिल नहीं रहे थे, देख रहे थे सपने बढ़ रहे थे, दिमाग बढ़ रहा था, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे थे, तो बहुत स्ट्रगल चल रहा था लाइफ में, और पता नहीं चल रहा था कि इसमें कैसे रास्ता निकले। जब बड़ौदा हॉस्टल में जब रहता था ना, तो कभी कभी ऐसे बेड पर लेट के सोचता भी था कि यार सुसाइड कर लेते हैं, इस लाइफ में कुछ नहीं रखा है, क्या करेंगे इस लाइफ का। इतने बुरे ख्याल आते थे कि 10-20 रुपए के लिए स्ट्रगल, 50-100 रुपए के लिए किसी से उधार मांगते थे, 500-700 रुपए के लिए तो ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना है, तो इतना स्ट्रगल चल रहा था लाइफ में। लेकिन फिर भी सोचा कुछ तो करते हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं वापस से बड़ौदा जाता हूँ, तो मई 2014 के एग्जाम के लिए मैं वापस बड़ौदा गया, क्योंकि वहां पर हॉस्टल था, तो जब मैं पीजी में रहता था तो उसमें रेंट ये वो भी नहीं दे पाता था, क्योंकि इतने भी पैसे जो थे वो सारे खत्म हो चुके थे, दोस्तों से इससे उससे लेके भी खत्म हो चुके थे। तो वापस मैं मई 2014 में बड़ौदा गया और वहां से एग्जाम दिया, तो वो एग्जाम भी मैं फेल हो गया। अब तो ऐसा था कि सब टूट सा गया है, मतलब फैमिली के भी पेशेंस थे, लोग घर पे जाके भी बोलते थे कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसको बोलो कोई जॉब करे, कोई पैसे कमाए, घर चलाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, शादी की उम्र हो गई है, बहुत सारी चीजें चल रही थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा था कि सीए फाइनल में इतने तक पहुंच गए, एक ग्रुप के लिए नहीं छोड़ेंगे, एक ग्रुप तो क्लियर कर ही लेंगे, भले ये 6 महीने 1 साल ज्यादा हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा। और हर बार ऐसा लगता था कि सीए बनने के बाद तो 6 लाख का पैकेज होता है, तो साल 6 महीने का कम से कम 3 लाख होता है, तो जो एक एक एग्जाम फेल हो रहे हैं उसमें 3-3 लाख का लॉस हो रहा है, ऐसे भी ख्याल आते थे। और बीच बीच में तो ऐसा सर्च भी करने लगा था कि सीए में कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि सीए फाइनल का एक ग्रुप क्लियर करने के बाद अगर दूसरा नहीं करो तो तुम्हारा वो भी इनवैलिड हो जाए। लकीली ऐसा था नहीं, लेकिन ऐसे भी ख्याल रात को आते थे, कभी कभी सपने में से उठ जाता था कि अरे यार ऐसा कोई प्रोविजन तो नहीं है ना, इतना डर लगता था। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, गिवअप नहीं किया, ये फेलियर को फेस करने का जो जज्बा था ना वो बहुत कायम था, क्योंकि तब भी सोचते थे कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही है। और जब नवंबर 2014 का एग्जाम था तब सोचा था कि लाइफ में जितना भी दम है ना इस बार लगा देंगे, और नवंबर 2014 का जो रिजल्ट आने वाला था जनवरी 2015 में, तो लकीली वो रिजल्ट जो था वो मेरे बर्थडे के दिन आता है, मेरा बर्थडे 19 जनवरी को होता है, तो 19 जनवरी की उसकी डेट थी। तो मेरा एक दोस्त है, उसके साथ मैं बस में जा रहा था, तब मैं वापस मुंबई आ चुका था एग्जाम के बाद, तो उनके साथ ही रहता था मैं रूम पर एज अ पेइंग गेस्ट। बस में जा रहे थे और मेरे कजिन का फोन आया कि सीए फाइनल का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा। तो मैंने बोला मैंने अभी तक नहीं देखा है, मेरे में करेज नहीं है, डेयरिंग नहीं है कि मैं देख भी पाऊंगा या नहीं। तो उसने बोला मुझे रोल नंबर बताओ, मैं तुम्हारा रिजल्ट देखता हूँ। तो मैंने मेरे कजिन को मेरा रोल नंबर दिया और उसने 2 ही मिनट में वापस फोन किया, और ऐसे फोन हाथ में था ना ऐसे, तो बस के वे विंडो सीट पे था, और विंडो से बाहर देखते देखते ऐसा देख रहा था, और मेरा फ्रेंड बाजू में था, तो मुझे बोल रहा था उठा तो ले फोन। उठाने के लिए ना हाथ ऐसे शिवर कर रहा था कि उठाऊं कि नहीं उठाऊं, क्योंकि पता नहीं था क्या होगा, खुद में तो करेज नहीं था, फोन उठाने का भी करेज नहीं था, लेकिन जब फोन उठा के ऐसे रखा ना, तो उसने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम सीए बन चुके हो। और बस में ही मैं रोने लगा था, इतने आंसू जा रहे थे बस में, इतने आंसू जा रहे थे, और फाइनल लाइफ में एक फीलिंग आ रही थी कि हाँ कुछ तो अचीव हुआ है, कुछ तो विक्ट्री मिली है। और बस में सब लोग देख रहे थे कि क्यों रो रहा है, लेकिन उनको पता नहीं था कि कितने सेक्रीफाइस किए हैं इस दिन के लिए, वो सारे सेक्रीफाइस जो है
वो आज पूरे हो रहे थे ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैं जनवरी में सीए बन गया, फिर जॉब के लिए सर्च करना शुरू किया। तो फरवरी और मार्च जॉब के लिए सर्च किया, थोड़ा रिसर्च किया, और मेरा एक फर्म बिलीव था कि मैं अगर प्रैक्टिस शुरू करता हूँ तो मैं थोड़ा उसमें फास्ट पैसे कमा लूंगा, क्योंकि मेरा यह था कि अगर मैं सीए बन जाऊं तो उसके एक साल में मुझे मैरिज करना था। तो पहले मैंने सोचा था कि नवंबर 2015 में मैरिज करेंगे तो एटलीस्ट हमारे पास 10 मंथ का वक्त है पैसे जमा करने के लिए। तो मार्च 2015 में एक सीए फॉर्म पे मैंने इंटरव्यू दिया था और वहां पर मुझे सिर्फ 20,000 रुपए सैलरी बताया था। सीए फाइनल क्लियर था, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था और सिर्फ 20,000 सैलरी। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने हाँ बोल के वो जॉब ले भी लिया था और वहां पर 2 दिन गया भी था, लेकिन उन्होंने ऑडिट के लिए मुझे कोई और ही जगह भेजना चाहा दो चार महीने के लिए। तो फिर मैंने बोला नहीं, मैं मुंबई ही रहना चाहता हूँ, कहीं और मुझे नहीं जाना है। तो फिर मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया और अराउंड अप्रैल मई 2015 किसी ने मुझे एक और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इंट्रोड्यूस किया, एमवे में। सो मेरा ज्यादा कोई तब इंटरेस्ट बचा नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन एमवे ने उन्हें मुझे प्रोडक्ट दिखाया, मीटिंग अटेंड करवाया और उसमें एक बातें बताई कि आप बुक पढ़ो। तो उन्होंने वो जो मैंने आपको कल बुक बताया था मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, वो 2015 में लिया था अप्रैल मई में, और मैंने वो बुक पढ़ना शुरू किया और उस बुक ने मेरे माइंड को बहुत ट्रांसफॉर्म किया। हालांकि मैंने एमवे में कोई काम नहीं किया, टीम नहीं बढ़ाया, कुछ नहीं किया, लेकिन वो बुक ने मुझे बहुत ट्रांसफॉर्म किया। तो वो बुक से मुझे पता चला कि ऑलवेज थिंक बिग। सो तब मैंने गोल रखा कि ये 20,000-30,000 सैलरी नहीं चाहिए, कम से कम मुझे 6-7 लाख का पैकेज मिलेगा तो ही मैं जॉब करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। भले ही थोड़ा टाइम लगे, 2 महीने में अपने आप को वापस से डेवलप करूंगा, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करूंगा, क्योंकि 2 से 4 साल हो गए थे ना सीए करते करते, तो कॉन्फिडेंस पूरा चला गया था। कुछ पैसे नहीं थे तो ऐसा लगता था कि जो मिला वो कर लो, लेकिन पता चला उससे काम नहीं हुआ। तो मई 2015 में एक फ्रेंड के साथ मैंने प्रैक्टिस शुरू किया और उसने मुझे बताया कि मेरे पास करीबन 7-8 लाख-10 लाख का काम पेंडिंग है, अगर तुम आ जाओगे तो हम ये 4-6 महीने में काम कर लेंगे और हम 50-50 कर लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, बात तो सही है, लेकिन मेरे पास मंथली घर चलाने के लिए पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको 15,000-20,000 रुपए मंथली भी दे दिया करूंगा, उनसे तुम्हारा घर चल जाएगा और जैसे ही काम खत्म होगा क्लाइंट से पैसे आएंगे, हम डिवाइड कर लेंगे। और मई में हमने प्रैक्टिस शुरू किया, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक सारा ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका था, लेकिन जो मंथली मुझे पैसा आता था वही आता था, उसके अलावा एक भी पैसा नहीं आया। तो मैं हमेशा उसको पूछता था, अरे यार क्लाइंट को भी भेजता है ना, पैसे तो लाओ, पैसे तो लाओ। और वो हमेशा बोलता था नहीं यार, क्लाइंट पैसे नहीं दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है ये, और क्लाइंट से कोई पैसे आए ही नहीं। मैं रोज हिसाब करता था कि ये क्लाइंट का इतना पैसा हो गया, ये क्लाइंट इतना हो गया, ये एक्सेल शीट है, इतना पैसा आना चाहिए, डिवाइड करके मेरे पास इतना पैसा आना चाहिए। मुझे नवंबर 2015 में शादी करना था और मैं ये सोच रहा था कि पैसे आने चाहिए और कोई पैसा नहीं आया सितंबर तक। फिर मैंने सोचा यार कुछ तो यहाँ पर गलत है, अब मुझे ये नहीं करना है, अब मुझे जॉब करना है। तो मैंने जो तब मेरी गर्लफ्रेंड थी, अब मेरी वाइफ है, तो हमने डिसाइड किया कि हम मैरिज को थोड़ा पोस्टपोन करेंगे। हालांकि टफ डिसीजन था, लेकिन हमने नवंबर 2015 से मैरिज को पोस्टपोन किया एटलीस्ट 6 महीने के लिए। तो हमने सोचा मार्च अप्रैल में करेंगे, तो हमने पोस्टपोन किया। फिर मैंने कॉर्पोरेट जॉब लिया। सो मैंने अराउंड अक्टूबर 2015 में इंटरव्यूज देना शुरू किए और नवंबर 2015 में मैंने कॉर्पोरेट जॉब किया। सो जब मैं वो जॉब में लगा तब मुझे लगा कि ठीक है, अब यहाँ पर एटलीस्ट मुझे सैलरी तो मिलेगा। सो अराउंड 40-45,000 का सैलरी था, मुझे 6 लाख का पैकेज नहीं मिला पर 5-5.5 का मिला। तो मैंने ज्वाइन कर लिया क्योंकि मैंने सोचा ठीक है, वो 15,000-20,000 से तो अच्छा ही है और वहां से कोई, और आज तक टिल डेट वो पैसा अभी तक नहीं आया, क्या हुआ मुझे नहीं पता है। मुझे घर पे अभी भी पूछते हैं लेकिन मैं बोलता हूँ ठीक है, आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन जो भी था एक लर्निंग था लाइफ में, उससे आगे बढ़ो। और 2016 आ गया, तो हमारा प्लानिंग था जॉब करने का, सॉरी मैरिज करने का मार्च अप्रैल 2016 में। तो उसके बीच में फरवरी और मार्च 2016 में एक दूर के पहचान के थे इंसान, उन्होंने फोन किया कि मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ और मेरा ट्रेडिंग बहुत अच्छा चल रहा है और मैं मंथली 30-40% कमाता हूँ। सो अगर तुमको पैसों की जरूरत है तो अगर तुम 5 लाख रुपए हमको दोगे तो हम मंथली तुमको 20% के हिसाब से 1 लाख रुपए देंगे। मैंने बोला वाह,
तो हम उनको मिलने के लिए गुजरात उनके घर पे गए थे फरवरी 2016 में, जनवरी फरवरी 2016 में। और हम तीन दोस्तों ने मिलकर सोचा कि हम 5 लाख रुपए जमा करते हैं और इनको देते हैं। हालांकि मेरे पास तब भी अराउंड 50,000 रुपए थे, क्योंकि मेरा दो सैलरी आया था नवंबर का और दिसंबर का और जनवरी का, और थोड़ा खर्चा करके थोड़े से ही पैसे थे। तो मैंने मेरे पापा से बात किया, उन्होंने पहले तो थोड़ा मना किया, झिझक किया, हाँ किया ना किया, फिर अल्टीमेटली उन्होंने फरवरी मार्च में मुझे 50,000 दे दिए। 50,000 मेरे थे, बाकी के 2-2 लाख दो फ्रेंड के थे, और हमने वो 5 लाख रुपए उनको दे दिए। और हमको लगा यहाँ से बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, और हुआ भी ऐसा। अप्रैल में उन्होंने हमको 1 लाख रुपए भेजा, मई में उन्होंने हमको 1 लाख रुपए भेजा, जून में उन्होंने हमको 1 लाख रुपए भेजा, और हमको लगता था वाह लाइफ सॉर्टेड है। और हम भी तब थोड़े बिंदास हो गए, तो हम ज्यादा पैसा खर्च करने लगे, हम थोड़ा सा लेविश लाइफस्टाइल जीने लगे, और सेविंग्स के बारे में सोचना थोड़ा सा कम हो गया। और मैरिज करना था तो तब तक मेरी वाइफ का, हमारा मार्च अप्रैल का पीरियड भी निकल गया था, तो हमने सोचा अब नवंबर 2016 में मैरिज करेंगे। तो उस हिसाब से मैंने बोला अगर ये ऐसे ही पैसे देते रहे तो इसमें से ही वापस थोड़े पैसे इन्वेस्ट करेंगे और 1 लाख के बदले 2 लाख मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारा सपना था, लेकिन जुलाई 2016 में कोई पैसे नहीं आए, और उन्होंने बोला कि हमारा एक मार्केट में बहुत बड़ा पोजीशन था और वो पोजीशन में हमारा पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो चुका है, तो उनके पास कोई पैसा नहीं। और वापस से ऐसा लगा कि यार क्यों ऐसा हो रहा है, प्रैक्टिस में था वहां से पैसा नहीं मिला, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए तो 3 महीना पैसे आया, तो अल्टीमेटली 5 में से 3 उन्होंने एज ए इंटरेस्ट तो दे दिए, लेकिन बाकी के जो 2 लाख रुपए अटके हुए थे एज ए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो टोटल 5 होने चाहिए थे, वो नहीं दिए। हमने फॉलो अप किया, फॉलो अप किया, फॉलो अप किया, बहुत सारा फॉलो अप किया, लेकिन पैसे नहीं आए। और जब ये हुआ जून जुलाई जुलाई 2016 में, तो अगस्त में एक स्नेह देसाई का वर्कशॉप था, माइंड पावर वर्कशॉप, तो थोड़े से जो वो एक एक, एक लाख करके पैसे आए थे उसमें मेरा जो हिस्सा था उसमें से थोड़े बहुत पैसे से मैंने वो 8-10 हज़ार रुपए का वर्कशॉप किया था। और तब माइंड पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो सारी चीजों की जानकारी मिली। हालांकि थोड़ी बहुत जानकारी जब नेटवर्क मार्केटिंग करता था 2011-12 में मिली थी, लेकिन यहाँ से थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हुआ, विजुअलाइजेशन का क्लियर हुआ, तो वो सब सोचना शुरू किया। और जो हमारा डेट था नवंबर 2016 में मैरिज करना, तो वो भी लग रहा था कि वो भी अब पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो पैसों की उम्मीद थी वो पैसे आए नहीं, जो पैसे हमको बचाने चाहिए थे वो हम बचा नहीं पाए, और जो हमने लोन ये वो जिससे जिससे लिया था उनको थोड़ा थोड़ा करके लौटा रहे थे, तो उसमें से भी कुछ ज्यादा बचा नहीं। तो नवंबर 2016 में भी हमारा मैरिज नहीं हो पाया, लेकिन अराउंड सितंबर अक्टूबर 2016 मैंने विशाल मलकान का एक प्रोग्राम था एम्प्लॉयड टू सेल्फ एम्प्लॉयड स्टॉक मार्केट के बारे में, तो जो हमारे वो 5 लाख रुपए चले गए थे ना, तब मुझे लगा था कि नहीं अब मैं स्टॉक मार्केट सीखूंगा, अच्छे से सीखूंगा और मैं ही खुद ट्रेड करूंगा। तो जब वो स्नेह देसाई का मैंने अटेंड किया था तो उसमें मैंने लिखा था विजन बोर्ड में कि आई वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट ट्रेडर फॉर माई लाइफ एंड आई वॉन्ट टू बिकम फुल टाइम ट्रेडर। सो मैंने वो ट्रेडिंग का प्रोग्राम अटेंड किया था, वहां से जानकारी मिली, नॉलेज मिला, तो उस वजह से मेरे लाइफ में कभी स्टॉक मार्केट में बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सो वो सीखा, फिर वहां से थोड़ा अर्निंग शुरू हुआ स्टॉक मार्केट से। जब मैं वो जॉब में भी था तो बहुत सारे, अगर दोस्त आप देख रहे हो तो आपको पता है कि हम लोग साथ में मिलकर ट्रेड करते थे दिसंबर 2016, जनवरी 2017। फाइनली जनवरी 2017 में हमने डिसाइड किया कि ठीक है जो भी हालात है वो है, इतने टाइम से मैरिज पेंडिंग है, हम कर ही लेते हैं। सो जनवरी 2017 में हमने डेट डिसाइड किया और फरवरी 2017 में हमारा मैरिज हो गया। और तब मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था, उसका लिमिट 1,20,000 था, और वो मैरिज के कॉस्ट करते करते वो क्रेडिट कार्ड ऑलमोस्ट 1,18,000 तक का स्पेंड था, सिर्फ 2,000 रुपए का अवेलेबल बैलेंस था। दूसरा क्रेडिट कार्ड में 25,000 का लिमिट था, उसमें 20,000 खत्म हो चुके थे, सिर्फ 5,000 का लिमिट बचा था, और बैंक अकाउंट में सिर्फ 10-15 हज़ार रुपए थे। तो इतना सारा कॉस्ट कर चुके थे, लेकिन फिर भी फरवरी 2017 में हमने मैरिज किया। एंड मैरिज करने के बाद ये था कि हमको साथ में रहने आना था, क्योंकि तब तक तो मैं अभी भी वो पीजी में ही रहता था दोस्तों के साथ, और मेरी वाइफ भी मुंबई से है तो वो अपने घर पे रहती थी। तो मैरिज के बाद भी बहुत सारे लोग बोलते थे कि अरे तुम घर नहीं ले रहे हो घर, लेकिन उनको मैं बता नहीं पाता था कि मेरे पास डिपॉजिट के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही मुंबई में घर सर्च करना शुरू किया तो तब तक तो याद भी नहीं था कि हाँ यार डिपॉजिट भी लगेगा। तो पता चलता था कि 10,000-11,000 रेंट है, 50,000 डिपॉजिट देना है, और वो 50,000 रुपए कहाँ से जमा होंगे वो भी पता नहीं था।
और जो भी क्रेडिट कार्ड के ड्यूज थे उसको सबको ईएमआई में कन्वर्ट किया, एक एक साल का, डेढ़ डेढ़ साल का ईएमआई करवाया। और मार्च अप्रैल, हाँ मार्च एंड अप्रैल में से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया और थोड़ा पैसा किसी और से लिया और 50,000 रुपए की डिपॉजिट अरेंज की। और मई 2017 में हमने साथ में रहना शुरू किया और तब मेरा ट्रेडिंग अच्छा चल रहा था, तो थोड़ा पैसा ट्रेडिंग से कमाया था, थोड़ा पैसा किसी और से लिया था और हमने साथ में रहना शुरू किया मई 2007 में। सो ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने हो गए थे मैरिज करके फिर हमने साथ में। और जून में मेरे पापा और दादी माँ जो गांव में रहते थे वो भी हमारे साथ रहने आ गए थे। तो जून जुलाई ऐसा ही चला और जब अगस्त का पीरियड था, जुलाई अगस्त में, तो मेरे जॉब में जो था वो इंक्रीमेंट का इसका उसका बहुत प्रॉब्लम था, तो सिर्फ 5% इंक्रीमेंट मिला। 2016 में तो इंक्रीमेंट ही नहीं मिला था, 17 में सिर्फ 5% मिला, तो जो सैलरी बढ़ना चाहिए था वो बढ़ा नहीं, तो मैंने सोचा अब जॉब को चेंज करते हैं। सो मैंने जून जुलाई में जुलाई में अराउंड इंटरव्यूज देना शुरू किए और अगस्त में मेरा जुलाई में मैंने रिजाइन किया और अगस्त में मैंने एक दूसरे कंपनी को ज्वाइन किया था मलाड में। सो अगर आप वहां से देख रहे हो तो आप जानते हो मैं आपके साथ काम करता था मलाड में, और वो एमएनसी था तो वहां पर टाइमिंग थोड़ा और था, दोपहर को 1 से रात को 11 बजे तक। और आपको पता है जब एमएनसी सोते हैं तो रात को 7-11 को तो निकलते नहीं है, 11, 11:30, 12 बजे में वहां से निकलता था और करीबन 1 बजे, कभी कभी 2 बजे घर पहुंचता था। और हमारी नई शादी थी तो मेरी वाइफ भी मेरा वेट करती थी, तो हम रात को 1 बजे, रात को 2 बजे डिनर करते थे और सोते थे। और मुझे लगता था यार कि और कुछ करना है, और कुछ करना है, और क्योंकि बहुत सारा डेट था ऑलरेडी, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई चल रहे थे। और तब मुझे ख्याल आया कि मेरा स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मुझे अच्छे स्ट्रेटेजीज पता है और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं और वहां से भी कमा रहे हैं, तो मैंने सोचा ठीक है अब मैं स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग शुरू करता हूँ। तो मुझे कुछ पता नहीं था कैसे करना है, तो एक बंदे से मुझे पता चला कि तुम व्हाट्सएप से भी करा सकते हो। तो मैंने सितंबर 2017 में मेरा खुद का स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग लॉन्च किया और मैं लोगों से बात कर रहा था कि मैं आपको ये सिखाऊंगा स्टॉक मार्केट में जो है वो ट्रेनिंग, और आपको स्टॉक मार्केट थ्रू व्हाट्सएप सिखाऊंगा। सो मैंने जो भी मेरे पास कंटेंट था वो सारा लिखा वर्ड में से कॉपी करके मोबाइल में, और मोबाइल से वो पेस्ट कर करके मैं व्हाट्सएप का ग्रुप बनाता था सैटरडे संडे में, और सैटरडे संडे में वो सारे मैसेजेस, चार्ट्स, रूल्स, रेगुलेशन सब पोस्ट करके मैं लोगों को सिखाता था। अगर आपने मेरे पास से सीखा हुआ है तब तो आप जानते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी मेरे कांटेक्ट में हैं, आज भी उन लोग को सपोर्ट करता हूँ, और आज भी वो सितंबर 2017 वाला व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें लोग भी है, आज भी मैं उसमें पोस्टिंग करता रहता हूँ। ठीक है, तो तब मैंने वो ट्रेनिंग शुरू करा था और मैंने सितंबर अक्टूबर 2 महीने में करीबन 1 लाख रुपए मैंने वो ट्रेनिंग से कमाया था, क्योंकि दोनों तरफ मुझे 5,000 रुपए में फीस लेता था, तो दोनों बैच में मुझे अराउंड 10-10 स्टूडेंट मिले थे, तो 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा अर्निंग थी। और नवंबर 2017 में फेसबुक पर मैं पोस्ट देख रहा था कि किसी किसी एक ट्रेनर ऐसा क्लेम कर रहे थे कि उनके स्टूडेंट ने 50,000 रुपए से 30 लाख रुपीज कमा लिया सिर्फ 1 महीने में। तो मैंने सोचा वाह, स्टॉक मार्केट में ऐसा कौन ट्रेनर है, बैंगलोर का वो ट्रेनर है, नाम आप ढूंढ पाओगे तो ढूंढ लेना, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ। तो वो अपना लेजर शो करते थे कि मेरे स्टूडेंट ने 50,000 रुपए से 30 लाख रुपए बना लिया सिर्फ 1 महीने में। और मेरी वाइफ से मैं बात कर रहा था कि हमारे पास ये जो 1 लाख रुपए आए हैं उसमें से थोड़े बहुत चुका के 50-60 हज़ार रुपए बचे हैं, तो लगता है इसकी जेन्युइन रिपोर्ट, ये करना चाहिए क्या बैंगलोर जाके। तो मेरी वाइफ ने पहले तो अग्री नहीं किया, हमारा 2-3 दिन बात हुआ, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हुआ, लेकिन फाइनली मेरी वाइफ को मैंने समझाया कि देखो अगर ये थिंग रियल है तो जो मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं 50,000 का 30 लाख नहीं चाहता हूँ 1 महीने में, मुझे 50,000 का 3 लाख भी हुआ 3 महीने में तो भी चलेगा, ये तो 50,000 का 30 लाख क्लेम कर रहे हैं 1 महीने में, मुझे 50,000 का 3 लाख 3 महीने में हुआ तो भी चलेगा, तो भी करना चाहिए। तो फाइनली मेरी वाइफ एग्री हो गई, तो मैंने वो नवंबर 2017 में वो बैंगलोर फ्लाइट का खर्चा किया, 71,000 फीस था प्लस जीएसटी, 84,000 रुपीज मैंने उनको फीस दिया, बैंगलोर आने जाने का खर्चा किया, सब मिला के 1,10,000 के आसपास खर्चा किया था। उसमें से 60,000 तो मेरा वो जो मैंने ट्रेनिंग कराया था उसमें से मेरे पास था, 50,000 अगेन जो क्रेडिट कार्ड का ईएमआई भर भर के जो बैलेंस ओपन हुआ था थोड़ा सा उसमें से किया था, और वापस उसको ईएमआई कन्वर्ट किया। और वो ट्रेनिंग करने के बाद
हम लोग तो ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे थे और वो ट्रेनर ने इतना अच्छा सपोर्ट भी नहीं किया, थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, ऊपर नीचे किया, इतना नहीं किया, लेकिन वो ट्रेनिंग में एक बंदा था जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाता था और वो हर रोज 50,000, 1 लाख, 2 लाख का स्क्रीनशॉट डालता था कि मैं कमा रहा हूँ। और हमको ऐसा लग रहा था कि वो स्टूडेंट सिर्फ इनकी ट्रेनिंग की वजह से कमा रहा है। तो मैंने भी वही ट्रेनिंग लोगों को कराना शुरू किया और दिसंबर और जनवरी में मिलकर करीबन 20 लोगों को मैंने वो ट्रेनिंग जो है 70,000 का मैंने 10-10 हज़ार रुपए में सिखाया। तो दिसंबर और जनवरी के बीच में 20 लोगों को सिखा के मुझे 2 लाख रुपए आ गए। लेकिन जब नवंबर में वो ट्रेनिंग अटेंड किया था ना, वो ट्रेनर ने क्या बताया कि आपने ट्रेनिंग तो अटेंड कर लिया है, लेकिन मैं जो ये बड़ा बड़ा प्रॉफिट करता हूँ ना, ऑप्शंस से करता हूँ। तो मेरा जनवरी 2018 में ऑप्शंस का प्रोग्राम है और उसका फीस 32,000 प्लस जीएसटी है। तो जब हम उसके स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट देखते थे तो मुझे लगा यार इसमें भी तो अब जाना ही चाहिए। और वो स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट से हम बहुत इंप्रेस थे, तो मैंने लोगों को सिखा दिया। तो वापस जनवरी में 2018 में मैं बैंगलोर गया और उनका ऑप्शंस का ट्रेनिंग अटेंड किया सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दैट वाज द वर्स्ट ट्रेनिंग ऑफ माय लाइफ, वर्स्ट। उससे वर्स्ट ऑप्शंस का ट्रेनिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं व्हाट्सएप का ट्रेनिंग जो ऑप्शंस का ट्रेनिंग मैं करा रहा था व्हाट्सएप से सिर्फ 5,000 रुपए में, उतना ही कंटेंट था, 37,000 रुपीज फीस दिया था, साथ में बैंगलोर आने जाने का फ्लाइट का खर्चा, रुकने का खर्चा सब करके 50-55,000 रुपीज वापिस स्पेंड कर दिए। और वही चीज था जो मैं सिर्फ 5,000 में सिखा रहा था, कुछ नया नहीं मिला। लेकिन एक बात अच्छी हो गई कि वो स्टूडेंट को मैं पर्सनली मिल पाया जो रोज 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए कमा रहा था, और जनवरी में तो वो 10 लाख, 20 लाख रुपए कमाने लगा था। और तब तक हमको ये लगता था कि वो स्टूडेंट सिर्फ इनके स्ट्रेटेजी से कमा रहा है, लेकिन जब फरवरी 2018 में वो स्टूडेंट ने अपना कोर्स लॉन्च किया, तब पता चला कि ये स्टूडेंट उसका स्ट्रेटेजी से नहीं, खुद का कुछ कर रहा है। तो तब बहुत बड़ा शॉक लगा कि यार कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, कि हम किसी और का ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, उनके स्टूडेंट पैसे कमा रहे हैं, 2-3 महीने बाद वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो कुछ और ही कर रहा हूँ, इसका तो अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मार्च 2018 को वो स्टूडेंट ने ट्रेनिंग रखा और वो स्टूडेंट ने बहुत अच्छे पैसे कमाए हुए थे। तो वो स्टूडेंट का मैंने पब्लिशिंग भी बहुत अच्छा किया था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे वो पब्लिशिंग करने का थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो स्टूडेंट को मैंने बहुत पब्लिश किया था, बहुत उसके बारे में अच्छी बात कही थी और बहुत प्रमोट किया था। और वो उसने 50,000 रुपये वापस से फीस लिया था, बैंगलोर में उसका क्लास था 15 मार्च 2018 में। तो 40-50 लोग उसके ट्रेनिंग में आए थे और उसमें कम से कम 15 से 18 लोग मेरे रेफरेंस से आए थे। तो 50,000 रुपये फीस दिया, बैंगलोर आने जाने का फ्लाइट का खर्चा, रहने का खर्चा सब करके वापस से 60-65,000 का कॉस्ट हो गया। और हमको लग रहा था कि यार ये बंदा जो पैसे कमा रहा है डेली का 10 लाख, कभी कभी 20 लाख, कभी कभी 40 लाख इंट्राडे, और हमको लगता था यार कि एक भी दिन ऐसा हमारे लाइफ में आ जाएगा ना तो पूरी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो बंदे ने भी 10 दिन सपोर्ट किया, 15 मार्च से 26 मार्च लास्ट उसका सपोर्ट था। मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, डिटेल है, सब है, प्रूफ के साथ है। और तब मुझे बाद में उसकी जेन्युइनिटी पे शक होने लगा, क्योंकि बाद में पूरा अप्रैल मई 2018 वो दिखा ही नहीं। और मैं जो पैसे कमा रहा था वो इन्वेस्ट कर रहा था, जो लोन्स थे, जो ईएमआई थे वो चल रहे थे, पुराने जो लोन है वो तो चुकाने बाकी थे, और लाइफ में कुछ टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर ऐसा हो रहा था। तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था मैं, उसके बारे में थोड़ा अनाप शनाप बोला, उसको भी थोड़ा मैंने गलत बोल दिया था, उसको बुरा भी लगा होगा, आई नो। बट क्या कर सकते हैं, आप लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहे हो, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो, और मैं जानता हूँ जो 40-50 लोग वहां पे आए होंगे ना उनके प्रोग्राम में, वो भी मेरे जैसे होंगे, कहीं से लोन लेके आए होंगे, क्रेडिट कार्ड से लेके आए होंगे। अगर आपके पास स्किल है कि हाँ आप किसी को पैसा कमाना सिखा सकते हो, तो आपको जेन्युइनली सिखाना चाहिए ना। तो 2 महीने वो नहीं रहा, तो बाद में फिर जून जुलाई में उसने बोला कि मैं आपको 100 डेज तक सपोर्ट करूंगा, ये वो उसने किया भी। किसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, कोई पता नहीं चला, लेकिन तब तक मैं अपना ट्रेनिंग कर रहा था और मुझे थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा था, मेरे ट्रेनिंग से, मेरे ट्रेडिंग से पैसे बन रहे थे। और जून 2018 में एक वापस से टर्निंग पॉइंट आया, जब मैं 19 जून 2018 को जब मैं दोपहर को 1-1.5 बजे ऑफिस पहुंचा और मुझे घर से कॉल आया कि तब मेरे दादी माँ मेरे साथ रहते थे पर वो टूर के लिए गुजरात गए थे, तो
मेरे पापा के साथ, तो मुझे कॉल आया कि दादी माँ बीमार है और अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, तो तुमको इमरजेंसी में आना पड़ेगा। उनको एक स्मॉल अटैक आ गया था। मैंने मेरी वाइफ को फोन किया ऑफिस से कि ऐसा फोन आया है, तुम सब पैक कर लो, आज शाम को ही हमको निकलना पड़ेगा। और 19 जून 2018 को मैं निकला था यहाँ से, मुंबई से, रात को ट्रेन में। सुबह सुबह 8 बजे 20 जून को मैं पहुंच गया। तो मेरे दादी माँ तब आईसीयू में थे, मैं उनको सुबह सुबह मिला 8 बजे। बहुत अच्छी तबीयत थी, चाय पिया, उन्होंने नाश्ता किया, हमसे बात की, मेरी कजिन सिस्टर सब लोग आ गए थे और मैं उनके साथ था करीबन 10 साढ़े 10 तक। लेकिन 11 बजे उनको वापस से अटैक आया, और जब वापस से अटैक आया तो उनको वेंटिलेटर पे रखा गया। और जब वेंटिलेटर में, आपने अगर कहीं देखा हो, तो पूरा मुंह में एक पाइप होता है और पूरा पैक हो जाता है, फिर वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, और सब हाथ में सुई लगी थी, बोटल्स लग रहे थे। तो बहुत टेरिबल फील हो रहा था कि यार मैं क्या देख रहा हूँ लाइफ में, अभी तो स्ट्रगल एंड ही नहीं हुआ है और ये क्या देख रहा हूँ। और दोपहर को करीबन 11 से लेके शाम को 4-5 बजे तक वो मेरे दादी माँ घड़ी घड़ी वो वेंटिलेटर को निकालने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली निकालने नहीं देना चाहिए, इसलिए हम उनका हाथ पकड़ के रख रहे थे। तो एक साइड का हाथ में उनका 11 बजे से लेके करीबन 3 से 4 बजे तक उनका वो हाथ पकड़ के, बहुत बुरा फील हो रहा था कि उनको वो निकालना है, उनकी जो हालत है, उनकी जो कंडीशन है वो ऐसी नहीं है, और वो घड़ी घड़ी ऐसा हाथ में झटका मार के कोशिश करते निकालने की। मैं वापस उनका हाथ पकड़ के रखता हूँ, सामने आधा टाइम मेरी वाइफ ने पकड़ा था, कभी मेरे पापा ने, मेरी कजिन ने हाथ पकड़ा था। और शाम को 4-5 बजे तक यही चलता रहा। और मेरे अंकल जो है कल्याण में डॉक्टर, वो भी आए हुए थे, उनके वाइफ भी थे, तो हमसे डिस्कस कर रहे थे कि ये सिचुएशन में क्या कर सकते हैं और कितना इनको झेलना पड़ेगा। तो बताते थे कि 5 मिनट भी होगा, 5 घंटे भी होगा, 5 दिन भी होगा, बता नहीं सकते। और रात तक ये चला, 10-11 बजे तक। तो आईसीयू में ज्यादा लोगों को रहने नहीं देते, तो मेरे अंकल और मेरे पापा रुके थे, हम सब लोग मेरे घर पे गए थे, मेरे जो एक छोटे अंकल है मेरे पापा के सबसे छोटे भाई। तो रात को फिर 1-1.5 बजे तक तो हम बातें ही कर रहे थे, जान रहे थे, सब समझ रहे थे। लेकिन फिर सुबह 4 बजे 21 जून को मेरे दादी माँ एक्सपायर हो गए। तो बहुत बुरा फील हो रहा था, क्योंकि अब लाइफ में सिर्फ 2 ही पर्सन बचे थे, एक वाइफ और एक पापा। दादा दादी दोनों चले गए, मम्मी तो थे ही नहीं, और दो ही लोगों को सपोर्ट करना था लाइफ के। अभी तक तो स्ट्रगल ही खत्म नहीं हुए थे, और ऐसे लग रहा था कि यार कुछ तो हो जाए और पता नहीं क्या होगा करके। सो जब उनका एक्सपायर हो गए, फिर उनका सब कार्यक्रम करके हम लोग वापस मुंबई आए 25-26 जून को। और करीबन जून एंड में मेरे एक फ्रेंड का फोन आया दिल्ली से, विवेक कुमार। तो उसने मुझे बोला कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेनिंग करा रहे हो और मुझे भी ट्रेनिंग कराना शुरू करना है, और मैं भी थोड़ा छोटे लेवल पे करा रहा हूँ, हम दोनों मिलके अगर पार्टनरशिप कर सकते हैं तो हम दोनों साथ में शुरू करते हैं। और मैंने सोचा हाँ, वो अच्छे ट्रेनर थे, उन्होंने बहुत ट्रेनिंग लिया था, कोचिंग लिया था, मेंटरशिप प्रोग्राम भी किया हुआ था। तो मैंने लगा ठीक है, इनके साथ पार्टनरशिप करते हैं। और मैंने उनका मेरा पुराना स्टोरी बता दिया था 2015 वाला, कि मैंने एक पार्टनरशिप में ऐसे ऐसे धोखा खाया हुआ है, कोई पैसे मिले हुए नहीं है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप अगर पार्टनरशिप करना चाहते हो तो मुझे जेन्युइनली जेन्युइनली जो भी है वो पैसे के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं बहुत ऑथेंटिक हूँ, आपको पैसे के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम शुरू करते हैं। और जुलाई 2018 में हमने पार्टनरशिप किया, और हमने ट्रेडिंग मास्टरी करके एक ग्रुप बनाया, और करीबन 500 550 लोगों को अक्रॉस द 3 ग्रुप्स ऑफ व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप के 3 ग्रुप बनाए और 500 550 लोग वो ग्रुप्स में आ गए थे। और हमने हमारा ट्रेडिंग के साथ साथ ट्रेनिंग का बिजनेस शुरू किया। तब भी मैं जॉब करता था, रात को 1-1, 2-2 बजे, 2:30 बजे मैं चार्ट्स के स्क्रीनशॉट लेके स्टूडेंट को भेजता था, क्योंकि तब मैं ऑफिस से घर जाता था ऑफकोर्स। तो हमने ट्रेनिंग शुरू करवाया, तो हमने फर्स्ट ट्रेनिंग अगस्त 2018 में रखा था मुंबई में, और करीबन 25 से 30 लोग आए थे, लोगों को अच्छा नॉलेज मिला, हमने थोड़े अच्छे पैसे कमाए। फिर दूसरा ट्रेनिंग उसी महीने में हमने बेंगलोर में रखा था, करीबन 30-40 लोग वहां पर भी आए थे। तो वो 2-3 महीनों में हमने करीबन 4-5 लाख रुपए दोनों ने मिलकर कमाया था, हमने शेयर किया। और उसके बाद हमने सोचा अभी इसको आगे लेके जाते हैं, अच्छा सा स्केल करते हैं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में उनको सपोर्ट करेंगे, और साथ में हम पैसे भी कमाएंगे और हम भी फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि मैं जॉब करता था, वो तो फुल टाइम ट्रेडर ही थे। सो फर्स्ट सितंबर 2018 को मैंने रिजाइन किया मेरे जॉब में, 2 महीने का नोटिस पीरियड था, तो सितंबर एंड अक्टूबर। सो
इन दौरान हमने सितंबर में वापस से एक प्रोग्राम किया था मुंबई में, और नवंबर में हमने वापस एक प्रोग्राम किया बेंगलोर में, और फिर हमारा प्लान था कि दिसंबर में मुंबई में करेंगे, जनवरी में दिल्ली में करेंगे। और 31 अक्टूबर 2018 लास्ट ईयर मैंने अपना जॉब क्विट किया और मैं फुल टाइम ट्रेडर बना, और हम सब अच्छा चल रहा था, लेकिन नवंबर के प्रोग्राम में हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ बैंगलोर में। दिसंबर का जो हमारा मुंबई का इवेंट था वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन था, उसमें हमें कोई ज्यादा पैसे मिले नहीं। उसके बाद जो हमने जनवरी में दिल्ली में प्रोग्राम किया था वो भी ऑलमोस्ट ब्रेक इवन था, मतलब 10-20 हज़ार रुपए ही ऊपर नीचे हुआ, ज्यादा कुछ मिला नहीं। और तब मैं फेसबुक पे देख रहा था कि जो मेरे मेंटोर है एमवी प्रियांक, तो उन्होंने कुछ डाला था कि आई वांट टू हेल्प 10,000 पीपल टू ग्रो इन लाइफ, हेल्प देम। और फिर भी मेरा जो थोड़ा सा स्ट्रगल शॉर्टेड था, तो जो भी मैंने पैसे कमाए थे ना ये ट्रेनिंग बिजनेस में, मेरे पुराने सारे लोन जिसको जिसको फ्रेंड्स को इसको उसको देने थे, वो सबको मैं चुकाने लगा, और मैंने ऑलमोस्ट सारे पैसे चुकाने में लगा दिए, कुछ ही पैसे बचे थे मेरे पास। क्योंकि मुझे ये यकीन था कि अभी तो हमारा ट्रेनिंग बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरा ट्रेडिंग अच्छा चल रहा है, तो हमारा लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने सारे पैसे चुका दिए, थोड़े बहुत ही पैसे मेरे पास थे जनवरी 2019 में भी। और 27 जनवरी को वो प्रियांक जो थे एमवी प्रियांक, उन्होंने एक वेबिनार किया था, और उसमें उन्होंने बताया फ्रीडम बिजनेस मॉडल के बारे में। तो मुझे लगा वाह, ये चीज करना चाहिए, और हमें भी हमारा जो स्टॉक मार्केट का प्रोग्राम था उसको ऑनलाइन ले जाना था, तो हम दोनों पार्टनर भी बात कर रहे थे कि हम हमारे प्रोग्राम को ऑनलाइन ले जाएंगे। तो हम यही सोच रहे थे कि अगर कोई सिखा रहा है कि ऑनलाइन प्रोग्राम कैसे बनाना है, कैसे करना है, तो चलो सीख लेते। तो मैंने उनके प्रोग्राम में एनरोल किया 27 सितंबर को, और जब एनरोल किया तो पता चला कि उन्होंने सिद्धार्थ राजशेखर का फ्रेंचाइजी लिया है, तो सारा प्रोग्राम सिद्धार्थ राजशेखर का था। तो उस हिसाब से मैंने सिद्धार्थ राजशेखर से पूरी चीजें सीखी। सो फर्स्ट फरवरी से लेके 26 फरवरी तक पूरा जो लर्निंग था ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने के लिए, सारा वेबसाइट लगेगा, ऑटो रिस्पोंडर, लैंडिंग पेज, कोर्स क्रिएशन, होस्टिंग कहाँ पे करना है, वो सारी चीज वो 30 दिनों में सीखा मैंने, 1 फरवरी से 26 फरवरी तक। और मैंने सारे सिस्टम कर लिए। सारे सिस्टम सेटअप करने के बाद मैंने 26 फरवरी को प्रियांक सर को फोन किया कि अब आप बताओ क्या करें, पैसे तो ज्यादा जो भी थे वो इन्वेस्ट कर दिए आपका कोर्स में, इसके कोर्स में, उसके कोर्स में, अब ज्यादा पैसे नहीं है। और मेरा वाइफ का बर्थडे था 27 सितंबर को, तो हमारे एनिवर्सरी पे भी हम ज्यादा खर्चा नहीं कर पाए थे, हमने एकदम सादगी से एनिवर्सरी किया था। दूसरा एनिवर्सरी था, फिर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि ज्यादा पैसे थे नहीं। और मैं हमेशा मेरी वाइफ से, मेरे घर से ट्रांसपेरेंट रहता हूँ, कभी दिखावा बहुत ज्यादा पैसे है, फ्लैशिंग, ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, पूरा ट्रांसपेरेंसी से उनसे बात करता हूँ। तो वो भी एग्री कर जाता है कि ठीक है जो भी है उसमें चलाएंगे। 27 फरवरी को मैंने मेरा स्टॉक मार्केट का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया। क्यों मेरा ओन लॉन्च किया, क्योंकि जब मैं ये चीजें सेटअप कर रहा था ना, तो 15 फरवरी को मेरे वो पार्टनर ने फोन किया कि अब उसे ये ट्रेडिंग बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है, जो हम दोनों साथ में ट्रेनिंग करा रहे थे। और मुझे लगा व्हाट, सारे जो पैसे हमने कमाए थे वो सारे तो मैंने चुकाने में इधर उधर डाल दिए, उससे मेरी ज्यादा उम्मीद थी कि हम जो ट्रेनिंग करा रहे हैं उससे जो पैसे आएंगे, ट्रेडिंग तो चल ही रहा था पर जो ट्रेनिंग था वो एडिशनल रेवेन्यू था, और वो जो था वो ऑक्सीजन था ना, क्योंकि वो घर चलाता था, ये कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा सा ट्रबलिंग में आ गया। मैंने बोला आप क्या करेंगे फरवरी में, तो जो फरवरी 15 को उसने बोला ना, वो हिसाब से हमारा जो एनिवर्सरी का प्लान था वो सब चौपट हो गया। और 19 फरवरी को जो हमारे 3 ग्रुप थे जिसमें 550 लोग थे, उसने रात को वो सारे ग्रुप को डिसेबल कर दिया, एडमिन ओनली करके सारे ग्रुप क्लोज कर दिए। मुझे आज भी नहीं पता क्यों किया, और मुझे उससे कोई कंप्लेन भी नहीं है, जो किया अच्छा हुआ, उसका काम था, उसने मुझे जॉब से बाहर निकाला। और मैंने सोचा ठीक है जो भी लाइफ में है, 1-2 दिन रोया, फिर से एक फेलियर था लाइफ में, 2 दिन रोया, सैड रहा, जो भी था वाइफ ने सपोर्ट किया, एंड देन सोचा कि लेट्स बाउंस बैक। 27 फरवरी को वापस से मैंने मेरा स्टॉक मार्केट का कोर्स लॉन्च किया, 4-5 लोगों ने एनरोल कर लिया 15,000 रुपीज में। उसमें से जो पैसे मिले उससे मैंने ये कैमरा खरीदा, ये माइक खरीदा, मैंने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर खरीदा, और मैंने मेरा मेरा कोर्स क्रिएट करना शुरू किया। और मार्च 2019 से 4 मार्च को मैंने लॉन्च किया था, तो करीबन 10 से 12 दिन में मैंने 40 से 50 वीडियो रिकॉर्ड करके मेरा ये कोर्स बनाया। और मेरा वो कोर्स बना के मार्च अप्रैल में 90 डेज में मैंने
अराउंड 3 लाख रुपए कमाया। मेरा कोर्स सेलिंग करके, मेरा ट्रेडिंग तो चल ही रहा था, लेकिन कोर्स सेलिंग करके एडिशनल जो रेवेन्यू था वो मैंने कमाया। लेकिन फिर से लाइफ में एक मिस्टेक हो गया कि वो 3 लाख में से कम मैंने 2 लाख, 2.25 लाख री इन्वेस्ट कर दिया सारी चीजों में, ये कोर्स, वो कोर्स, इसका कोर्स, उसका कोर्स, सब बाय करने में मैंने इन्वेस्ट कर दिया। एंड वो दौरान जो मेरा मीरा रोड का एग्रीमेंट था मार्च 2019 में खत्म हो रहा था, तो जो ओनर थे उन्होंने बोला कि अब हमें रिन्यू नहीं करना करना है ये एग्रीमेंट। और तब मुझे एकदम शॉक लगा, व्हाट, ये घर हमारा नहीं है? तब तक तो ऐसे ही लग रहा था कि ये घर हमारा है। जब उन्होंने बोला ना एग्रीमेंट रिन्यू नहीं करना, तब पता चला कि हाँ यार ये हमारा घर नहीं है। उन्होंने घर से निकाला, हम दूसरा घर ढूंढ रहे थे, फिर फाइनली हमने विरार में ये घर लिया। एंड तब वापस से वही सिचुएशन थी, उनसे डिपॉजिट लो, इनको डिपॉजिट दो, घर को ट्रांसफर करो, सारा सामान लेकर आओ, ब्रोकरेज दो, घर ढूंढने के लिए बहुत सारा टाइम वेस्ट किया। तो बहुत सारी चीजें मार्च अप्रैल में हो रही थी। उसी दौरान मैं इधर आ गया, तो उस दौरान में खर्चा भी बहुत हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का हुआ, चीजें लेने में हुआ, ब्रोकरेज का हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बहुत खर्चा हो गया। तो वापस से जुलाई 2019 में ऐसी सिचुएशन आ गई कि वापस से ज्यादा पैसे नहीं है, सिचुएशन खराब है, और क्या करें इसमें। और वो टाइम पे मैंने राहुल भटनागर का भी कोर्स लिया हुआ था, कम्युनिकेशन मास्टरी, तो वहां से थोड़ा इंस्पिरेशन मिल रहा था कि रोज वीडियो बनाना चाहिए, पब्लिकली जाना चाहिए, ताकि आपको लाइफ में पता चले, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाओ, इंस्पायर कर पाओ। उसी दौरान मेरा जोश टॉक का वीडियो भी रिलीज हुआ था अप्रैल में, तो वहां से भी काफी लोगों ने बोला कि आपका स्टोरी बहुत इंस्पायर है, आपसे हम बहुत सारा सीखते हैं, कीप इंस्पायरिंग। तो तब थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन वापस मिलना शुरू हुआ। और फाइनली जब अगस्त में राहुल भटनागर ने अपना प्रोग्राम लॉन्च किया था दिल्ली में, लीडर सेल्स एंड लीडरशिप मास्टर क्लास, तो वो मैंने ज्वाइन किया। और तब जो मेरा सेलिंग के लिए कॉन्फिडेंस था वो बूस्ट हो गया, क्योंकि ज्यादा तब भी पैसे नहीं थे, तब भी थोड़ा सा साइड साइड रहता था कि क्या करूं, कुछ तो टर्न अराउंड हो, वापस जॉब पे नहीं जाना पड़े, ऐसा कुछ तो करे। और वो प्रोग्राम के बाद 15 अगस्त से लेके आज 8 अक्टूबर तक वापिस से मैंने 3 लाख रुपए कमा लिए, मेरा खुद का कोर्स सेल करके, एफिलिएट प्रोग्राम सेल करके। सो अब मैं जो है वो खुद का प्रोग्राम सेल करता हूँ, मेरा ट्रेडिंग बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा ट्रेडिंग का कोर्स जो है वो अच्छे से सेल हो रहा है, मेरा एफिलिएट प्रोग्राम अच्छे से हो रहा है, और मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ। और उसी की वजह से ये जो मेरा लाइफ का जर्नी है, जो मेरे फेलियर्स है, जो मेरे जो चीजें मैं लाइफ से जो गुजरा हूँ, उस चीजों से मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को इंस्पायर करूँ, लोगों को हेल्प करूँ, लोगों को उस चीज में से निकलने के लिए बाहर निकालूँ। तो जब भी मुझे कोई बताता है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे लाइफ में स्ट्रगल है, मुझे अपने वो पुराने दिन याद आ जाते हैं, और मैं कभी किसी से चीटिंग नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं कोई मेरा ट्रेनिंग का कोर्स करा रहा हूँ, ट्रेडिंग का कोर्स करा रहा हूँ, तो जी जान से सपोर्ट करता हूँ, रात को 1:30 बजे भी फोन का रिप्लाई करता हूँ, रात को 12 बजे भी जवाब देता हूँ, सुबह 8 बजे भी जवाब देता हूँ, कोई घर पे आने को बोलता है तो घर पे भी बुलाता हूँ, कोई बाहर मिलने को बोलता है तो बाहर भी मिलता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि इन्होंने मुझे 10,000 फीस दिया है, इन्होंने 20,000 फीस दिया है, इनसे मेरा क्या प्रॉफिट है, मैं नहीं देख रहा हूँ। क्यों नहीं देख रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि लाइफ की वो सिचुएशन में क्या हो सकता है, कैसे हम फंस सकते हैं, और तब हमें कैसे कैसे ख्याल आते हैं लाइफ में, राइट? तो ये जो मेरा 90 डे का चैलेंज है, उसका डे 2 आज है, जिसमें हम ये गोल रख रहे हैं कि हम 90 डेज में 3.5 लाख रुपए बनाएंगे, $5,000 बनाएंगे, वो मैं लाइव आपको शो करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे जैसे हो, अगर आपकी जर्नी जो मेरी जर्नी में मैं जो स्टेप पे था, आप वो स्टेप पे कहीं पर हो, तो आप उसमें से बाहर निकल पाओ, मैं आपको हेल्प कर पाऊँ, आप मेरी इस जर्नी को देख पाओ, और आप भी जो 90 डेज में है वो 3 लाख नहीं तो 2 लाख, 2 लाख नहीं तो 1.5 लाख, 1.5 लाख नहीं तो 1 लाख भी अगर आप एक्स्ट्रा अर्निंग करोगे, और उसमें मैं कुछ भी सपोर्ट कर पाया, तो ये जो होगा वो रियली मैं आपको इंस्पायर एंड एस्पायर कर पाऊंगा, राइट? अदरवाइज कोई यूज नहीं है। सो इसलिए ये 90 डेज का चैलेंज मैंने शुरू किया है। होप आपको मेरा जर्नी अच्छा लगा हो। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, आप कमेंट करके अपना लाइफ का ऐसा कोई स्टोरी है, या आप कोई चीज में फंसे हुए हो, या आप मेरे से कोई हेल्प चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए, ज्यादा से ज्यादा इससे लोग इंस्पायर हो जाए। और इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने बताई है वो मैंने पूरी दिल से बताई है, कुछ चीज को हाइड नहीं किया है, कुछ चीज को छोड़ा नहीं है, वन शॉट वीडियो है, कोई एडिटिंग नहीं है,
कोई ड्रामा नहीं है, पूरा रिकॉर्डेड है, एक्सट्रैक्टेड एंड अपलोड, दैट्स इट, कोई इसमें एडिटिंग नहीं है। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्पायर करिए। और आपका कोई स्टोरी है, आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल है, आपके लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन है, तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, मैं मेरी ओर से 100% कोशिश करूंगा कि मैं आपको हेल्प कर पाऊं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।